and a very warm welcome to all of you. As always, I'm Harmeet Singh Sawhney and you're watching City Beats. I'm here at Brunel University to interview the legendary Punjabi singer, Babbu Maan. He's all set to storm the UK with his new tour. Birmingham, Leicester, Gravesend and London. Get ready for this. Singer, songwriter, music director, film producer, man of many talents, the one and only legendary Babbu Maan Paji. Sat Sri Akaal, B4U pe aapka bahut bahut swagat hai. Sabse pehle to mubarakaan funnar puri duniya vich trend kar reha hai. Ji ji ji. Kaisa lagta hai aapko? Aapke sare gaanon ki tarah, this is also itna jaisi aapki marzi. Acha lagta hai. इतना वर्क सो हार्ड उसके बाद आपको जो रिजल्ट आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए सोच उस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको खुशी भी मिलती है और सुकून भी मिलता है क्योंकि काम सुकून भी है पता है मैं आज सुबह कुछ लोगों को बता रहा था कुछ लड़कियों को बता रहा था मैंने कहा मैं Babbu Maan जी को इंटरव्यू कर रहा हूं तो सबसे पहले उन्होंने कहा Babbu Maan लाइक पूरी दुनिया में एंड इट्स नॉट जस्ट लंदन में पूरी दुनिया में जब भी आपका नाम आता है यू नो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी करोड़ों लोग मरते हैं आप पे यू नो आपका म्यूजिक आपकी एक्टिंग आपका द होल पर्सनालिटी फेम बहुत प्यारी चीज है ऊपर वाले की दुआ होती है पर इतना फेम एंड स्टिल आप इतने हम्बल हैं स्वाभाविक होता है ना कभी भी आप काम करते हैं जिंदगी में तो शोहरत मिल जाती है लेकिन शोहरत की भी कैटेगरीज होती हैं आपको एक होता है कि वाओ ऑटोग्राफ फोटो एक होता है कि रिगार्ड के साथ व्हेन पीपल कॉल यू भाई जी पाजी बी जी वो जब हर लड़की आपको अपना भाई समझे और हर लड़का आपको अपना दोस्त या ब्रदर या बड़ा भाई है ना तो उस तरह की जो होती है वो उसका अलग मजा होता है कहते हैं कि जैसे इज्जत कमाई जाती है मांगी नहीं जाती पर आपने तो पूरे देश की पूरी दुनिया की इज्जत कमाई है अल्लाह करे जी फजल हो आपका टूर हो रहा है यूके में इतना बड़ा लंदन बर्मिंगम लेस्टर ग्रेवसेंड जो सारे आपके फैंस हैं फॉर ऑल द B4U व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बारी आपके इस टूर से देखिए जो शो होता है वो कभी भी एक्टर का नहीं होता वो सिंगर का ही होता है अगर सिंगर क्रिएटिव और ऑथर है ना तो उसमें और ही बात हो जाती है क्योंकि बहुत चीज़ें शो के दरमियान ही आप सीख जाते हैं और बहुत चीज़ें वहीं बन जाती हैं कितने गाने हैं जो कभी गाते भी नहीं हम अचानक वही मूड बन जाता है तो उस लिहाज से हम लकी कि मैं लिख लेता हूँ बिल्कुल आपके जो बैंड होता है स्टेज पे किस तरह से आप
डिसाइड करते हैं आप, इज इट एक ही बैंड हमेशा जो आपके साथ यूज़ करते हैं और सर्टन शोज़ के लिए सर्टन लोकेशंस के लिए आप चेंज करते हैं? कुछ तो परमानेंट ही होते हैं म्यूजिशियन जो हमारे साथ ही चलते हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे ग्रुप बॉयलन है वो इंडिया से पॉसिबल नहीं, एक बार मैं लेके आया था फिर बीच में कुछ गैप हो गया, बॉम्बे से कुछ लोग हैं मेरे अच्छे दोस्त, तो फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ से वायलिनिस्ट लड़कियाँ होंगी तो आई वाज इन सर्च ऑफ सम रॉकर गिटार, वो नहीं मिल पाए शायद, ट्राई कर रहा हूँ अगर मिल जाए, क्योंकि जो हमारी बीट है उसमें उस तरह से कभी किसी ने ऐड नहीं किया स्टेज पे, तो उसमें अकोस्टिक हमारे ड्रम्स भी होते हैं। सो अलग तरह इस बार शायद एक दो चार म्यूजिशियन और भी मैंने इनको बोला कि लो थोड़ा अच्छा तजर्बा हो जाता है, अलग तरह की कोलैबोरेशन हो जाएगी। बिल्कुल। एक लड़की भी है ढोल पे शायद, तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को आगे आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो यू अर्निंग एक मंथ के बाद एक प्रॉपर है, इफ़ यू आर म्यूजिशियन अगर आपके पास टैलेंट है तो उसमें आपका रोजगार बहुत है। बिल्कुल। तो अगर लड़कियां भी आएँ अच्छा है। तो इस बार फीमेल वायलिनिस्ट बोला मैं, वो तो पिछले साल भी थी। हाँ जी। तो इस बार हम लोग ढोल पे भी इनको बोला कि यहाँ अच्छा लड़कियाँ बड़ा अच्छा प्ले कर दी, तो वो हमारे साथ मिलके तो वो एक बार बजाएंगे तो फिर रफ्तार रफ्तार फिर अच्छा हो जाएगा। सम बैकिंग के लिए कीबोर्ड वाले नए लड़के जो उनको भी इधर वालों को भी चांस मिले है ना, सो मुझे लगता है कि अगर मुझे चंद दोस्त देखने आए हैं तो उनको भी देखें तो मेरी वजह से उनका भी रोजगार चल पड़ेगा। तो जॉब्स ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी जॉब मिले, तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो जॉब। दैट्स ह्यूमिलिटी एट हिज बेस्ट, दैट्स बब्बू मान जी। यूके की बात कर रहे हैं तो जो यूके का पंजाबी सीन है, भंगड़ा म्यूज़िक है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जो भी आज हम लोग गा रहे हैं पंजाब में, मैं या और बहुत सारे सिंगर, ये इसका जन्मदाता इंग्लैंड है। अगर बॉलीवुड म्यूज़िक से बेहतर हमारा संगीत है तो यही एक वजह है, उसकी वजह इंग्लैंड है। ये हीरा ग्रुप, प्रेमी ग्रुप, अलाप ग्रुप, ये यहीं से शुरू हुआ सारा। तो एक ऐसा वक्त भी था कि जब फिरोज खान साहब की फिल्म में शायद चन्नी जी ने म्यूज़िक किया था, तो ये आगे ही रहता है, इसीलिए शायद हमारा म्यूज़िक रफ्तार रफ्तार इतना ऊपर आ गया कि वो शब्द वहाँ के और जो म्यूज़िक यहाँ का, उसका जो मेल इस तरह से हो गया कि मैं मानता हूँ पहले दिन से जब से मैंने ये इंग्लैंड का हमने स्कूल कॉलेज में सुना कि अगर ये ना होता तो शायद हम थोड़ा पीछे रह जाते, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत ऊपर आ गए। आपके यूके के फैंस ये सुन के और भी खुश हो जाएंगे? नहीं, हम लोग, मैंने बोला कुमार जी को, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हीरा ग्रुप, तो जितने भी पुराने सफरी साहब, चनीज पाजी, जौल साहब, जितने भी हैं, तो सबको मैं चाहता हूँ पर्सनली मैं इनवाइट करना चाहता हूँ और मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि जो भी आज हो रहा है इसके पीछे इनका हाथ है। हाथ की बात कर रहे हैं तो अगर हम वापस चलें जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, जो नई पीढ़ी आई है सब आपको देखते हैं, इंस्पायर्ड हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह लिखना चाहते हैं, आपकी इंस्पिरेशन और आपकी जो ये टैलेंट है आपने किससे सीखा? अगर आप हमारे नए जवान पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि कहाँ से आपने सीखा संगीत और इंस्पिरेशन आज भी इस मुकाम पे कहाँ से मिलती है आपको इतने प्यारे बोल और इतने प्यारे सुर के लिए? सीखना उनके लिए मुश्किल था जिन्होंने शुरुआत की, पहले संगीत जब बना, पहला गीत जब बना, जिस दौर में हम पैदा हुए उस दौर में रेडियो बहुत ज़्यादा था, फिल्मी संगीत बहुत ज़्यादा था और पूरी दुनिया का संगीत है हमारे सामने। संगीत सीखने का एक ही तरीका, बहुत अच्छा कान बहुत अच्छा चाहिए आपको, जिसका कान स्वर में है ना तो वो गा भी स्वर में लेगा, अगर कान स्वर में नहीं तो आप नहीं गा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सीखने के लिए सबसे बेहतर है कि कुछ भी मिले सीखते जाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते जी, और पता नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई उस्ताद मिले या आप किसी कॉलेज में पैसे दे के या एडमिशन ले लो, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो 500 का भी मिल जाता है, बस खाली वो चाहिए, उसमें जो भी संगीत आए बस उसको सुन लो, क्योंकि उसमें आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, आपको क्लासिकल भी मिल जाएगा, आपको रिदम भी मिल जाएगा, ठुमरी भी मिल जाएगी, राग विद्या भी हो जाएगी और फिल्मी संगीत भी हो जाएगा, पंजाबी संगीत। मुझे लगता है कि जो सुनता बेहतर है वो गाता बेहतर है। ओ
आपका जो टूर हो रहा है, इतने हज़ारों लोग आते हैं ऑडियंस में, यू नो, जब आप स्टेज पे होते हैं, कभी ऐसा लगता है आपको आज भी इस मुकाम पे, आपने पूरी दुनिया में टूर किया फ्रॉम लॉस एंजलिस टू इंडिया, क्या आज भी होता है कि बब्बू मान द सिंगर जब वो स्टेज पे जाते हैं हल्की सी थोड़ा सा घबराहट होती है या थोड़ा सा नर्वसनेस होती है जैसे नए सिंगर्स को होता है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे इतना पहले तो नहीं हुआ कभी, नेवर। एक बार मैंने यूनिवर्सिटी परफॉर्म किया था, एक ही बार किया, बहुत वक्त मैंने वहाँ गुजारा, तो वहाँ मैं 5 मिनट नहीं गा पाया था, तो मैं अंदर से भर गया था, बिकॉज वहाँ मैं उस फिज़ा में बहुत देर रहा, बड़े दोस्तों के साथ मेरी ज़िंदगी फाका मस्ती में गुजरी, तो शायद वो पूरी ज़िंदगी में एक ही कंसर्ट है कि जिसमें मैं 5 मिनट गा नहीं पाया था, तो 5 मिनट में जब भी मैं जाता था तो मेरी आँख भर आती थी, तो ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसे तो खुशी होती है। We'll talk more about masti after a very short break. शायरी जो होती है, स्पेशली जो बोल होते हैं जैसे आपके हैं, दिल से निकलते हैं, और जब तक इंसान मोहब्बत नहीं सीखता है वो बोल नहीं निकलते हैं जी। संगीत और मोहब्बत का एक बहुत प्यारा रिश्ता है, क्या ख्याल है आपके इसके बारे में? 100% ये श्योर है, प्यार के बगैर हो ही नहीं सकता कुछ, दुनिया में प्यार ही है अल्टीमेटली। देखिए आप, प्यार की ही जीत होती है, तो मुझे लगता है कि जितनी आपके अंदर जज्बात जितने होंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। आजकल स्पेशली यंग जनरेशन जो है, वर्ल्ड वाइड सिंगर्स, टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है गानों में, यू नो, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं लोग, यू नो, मेलोडाइन है, ऑटो ट्यून है, जो जैसे आप जैसे महान कलाकार हैं, जो यू नो, एक ज़माना था जब जैसे आशा जी या लता जी जब रिकॉर्डिंग करते थे वो तो एक टेक में सारा पूरा गाना ख़त्म करते थे, आजकल तो तोड़ तोड़ के भी गाने बनते हैं। उसकी वजह होती थी, वो इसलिए लाइव हो जाता था कि उसमें म्यूजिशियन जो बैंड है सामने बैठते थे। उसमें क्या होता है कि आजकल सिस्टम अलग हो गया, सब कुछ पहले कंप्यूटर पे बनता है फिर उसके बाद डबिंग होती है। उस वक्त अलग था कि पूरा बैंड लगा हुआ है और उसकी रिहर्सल होती थी पहले 2, 4, 5, 10, तो जब वो कंप्लीट हो जाती थी, और जो फिल्मी म्यूज़िक है ना बड़ा वो नज़ाकत भरपूर होता था, उसके नोट्स जैसे चौथा या तीसरा एकदम जो बहुत इजीली, अगर आपको 10 बार रिहर्सल करनी पड़ी तो कर सकें ताकि आपका गला ना बैठ जाए, तो वो दौर बड़ा रमणीक था। और सब इतना जब पूरा तामझाम होता है तो फिर वो रिहर्सल के बाद फिर वो गा लेते थे। लता जी को छोड़ के, लता जी मैं मुझे जितना ज्ञान है कि वो कभी उन्होंने सुर नहीं छोड़ा आज तक कभी भी, शायद एक बार हुआ था जब मदन मोहन साहब ने एक शायद एक बार गाना डब हो पाया नहीं था उनसे। बाकी सिंगर जैसे किशोर साहब कभी कभी अपना नोट लगा जाते थे, वो उनकी शान थी, ये नहीं कि वो गा नहीं पाते थे लेकिन उनका अपना एक तरीका था। कभी कभी रफ़ी साहब भी निकल जाते, लेकिन एक ही औरत है वाहिद पूरे हिंदुस्तान में, लता मंगेशकर, कि उन्होंने कभी नोट नहीं छोड़ा, तो वो ऑर्केस्ट्रा साथ रहता था, उसे आँस मिलती थी तो उसमें वो नोट खिलके निकल आते थे। आजकल क्या प्रॉब्लम, आजकल ऑर्केस्ट्रा की प्रॉब्लम है, अगर आप करना भी चाहें लाइव तो नहीं कर पाएंगे। जैसे बॉम्बे में पहले वायलिन के बैंड होता था ना, तो आजकल वो वहाँ वायलिन के बैंड में एडमिशन नहीं ले रहा कोई, क्योंकि वायलिन वाले को मिलता है 4,000 या 5,000 पर डे, और जो कंप्यूटर बैठ के किसी का उल्लू बना के वो 5 लाख कमा लेता है, तो सब लोगों ने काम छोड़ दिया, तो टेक्नीशियन ख़त्म हो गए, तो फिर इसी तरह से होता है उसमें, क्या कि तोड़ तोड़ के काम होता है। बात इन लेजेंडरी सिंगर्स की हो रही है, तो अगर दुनिया में एक सिंगर होते, ऑब्वियसली
हर सिंगर के लिए अपने गाने, सारे गाने बहुत प्यारे होते हैं. कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा ये फेवरेट है या ये फेवरेट कम फेवरेट है. आई एम श्योर आपके सारे गाने आपके फेवरेट हैं. मगर अगर एक आर्टिस्ट अगर आपको चूज करना होता कि काश मैं इनके साथ परफॉर्म कर सकता स्टेज पे. मैं जो 70 to 80 का जो दशक था बॉम्बे का, उसमें पंजाबी गाने भी बड़े अच्छे बने. कमाल क्वात्रा साहब ये सब लोग करते थे हमारे. नरूला साहब बड़े अच्छे कंपोज़र थे. तो मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारे कुछ गाने फिल्मी हैं, काश मैंने लिखे होते. जैसे खलनायक गाना बख्शी में मुझे बड़ा अच्छा लगता है. हाँ. मैं सोचता हूँ कभी मैंने क्यों नहीं लिखा, काश मैं पहले होता तो लिखता. हाँ. या राजेश खन्ना साहब के कुछ फिल्मों के गाने हैं, जैसे वो बख्शी साहब के ही हैं. हाँ. अच्छा तो हम चलते हैं, ये गाने मैं सोचता हूँ कभी कभी मैंने क्यों नहीं लिखे. हाँ. तो अच्छे लगते हैं ये. नया दौर रीमिक्स का भी आ गया है. पुराने गानों को बहुत रीमिक्स किया जा रहा है, तो रैप डाला जा रहा है उसमें. नहीं हुआ, चलो ये दौड़ा वक्त की. कंपनियों के पास सामान नहीं रहा. प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि बच्चे का जन्म होगा तो जवान होगा. बॉम्बे की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और इवन हमारे सब हर जगह की, बहुत जल्दी शोहरत चाहिए और बहुत जल्दी बहुत पैसा चाहिए. आज का म्यूज़िक बहुत पुअर हो गया, इसलिए पुरानों को रीमिक्स करना पड़ता है. कांटा लगा क्यों चल रहा है? क्योंकि आज कांटा लगा नहीं बन रहा उनसे, है ना. बिल्कुल. छुरिया चल जाए, है ना. क्यों? वो क्योंकि बना नहीं पा रहे. बनाए कैसे? बना सकते नहीं, क्योंकि हर बंदे को आइटम सॉन्ग चाहिए. हाँ जी. जब तक डायरेक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन हाउस बैठकर पूरा उसको तय नहीं करता कि कौन सा गाना चाहिए, तब तक मुझे लगता है कि अच्छा संगीत नहीं बनेगा. और मोरओवर क्या हो गया कि जो राइटर है उसको पैसे नहीं मिलते. राइटर को मिलता 25-50 हज़ार, संगीतकार ले जाता 2 करोड़. तो कोई क्यों लिखेगा? और लेखकों ने अपना धंधा बदल लिया. तो जो जन्मदाता है वो उसको पैसा नहीं मिलता, और हीरो को 10 करोड़ मिल जाता है. शायद एक यही वजह है कि अच्छा संगीत नहीं बन रहा. पाजी सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना टाइम दिया. B4U पे आए हैं. मेरी तरफ से, B4U की तरफ से, और UK के सारे आपके फैंस की तरफ से मुबारक इन एडवांस. आपका ये टूर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग, बिगर देन एनी अदर टूर टिल नाउ. सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, एंड उम्मीद करते हैं कि हम और भी गाने सुनेंगे और भी परफॉर्मेंसेस देखते रहेंगे, और इसी तरह आप अपना जादू पूरी दुनिया पे छाते रहेंगे. वंस अगेन थैंक यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू. दैट वॉज द लेजेंडरी बब्बू मान जी.